आज मौसम लेकिन अच्छा है, देखिए ज़्यादा ठंड भी नहीं है। नहाए हैं अभी, 2 बज गए, नहाते नहाते बहुत काम था, सब कपड़ा धो दिए हैं, सब धो के पसा रहे हैं, सब सूख गया है, सबको उतार देते हैं, पूरा बाल गिर रहा है। उधर हलवा चढ़ाए हुए हैं गाजर का, तब तक गाजर का हलवा बनाए ना आज। जो कपड़ा सब सूख गया उसको उतार लेते हैं। देखिए आज सब ये सब सबको एक जगह कर दिया है, लकड़ी था बहुत अच्छा, बहुत सारा लकड़ी था तो इसको सबको एक जगह कर दिया, और ये लकड़ी छांट दिए हैं। इसका इसको जलावन कर देंगे, इसके जला के इसका खाना बन जाएगा। सब कपड़ा सब सुखा लिए, देखिए कितना अच्छा धूप जा रही है, धूप लग रहा, ठंड कहाँ गया पता नहीं, सब बाल भींगा हुआ, देखिए धूप कितना अच्छा आया हुआ। देखिए पूरा मोहल्ला के, देखिए ये गांव है हमारा, गांव का घर देखिए, देख रहे वो मेरा वाला घर है, ये वाला घर है। तो जाते हैं फिर हलवा बनाएंगे, फिर आप लोग तो उसको दिखाएंगे, ठीक है, थैंक यू। सूख गया है सब कपड़ा, उतार लिए हैं, और बाल भी मेरा भींगा है तो सब कपड़ा उतार लेते हैं। और मुझे ब्रांड प्रमोशन करना है, एक कंपनी से ब्रांड प्रमोशन के लिए आया है, तो मैंने नहा लिया, फिर मैं रेडी होंगे तैयार होकर फिर मैं ब्रांड प्रमोशन करूँगी। सब कपड़ा मैं सुखा लेती हूँ, फिर ये कपड़ा छूट गया, देखिए धूप कितना अच्छा खिला खिला, धूप एक चिड़िया उड़ रहा है आसमान में, देख रहे हैं मेरा गांव कितना खुला है, कितना अच्छा लग रहा है देखने, बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़ा सब सुखा लिए हैं, सब अब कपड़ा ले जाएंगे उस घर में रखेंगे। गाजर अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, इसको देखते हैं पीस कर, देखिए गल गया है, पूरा गला है, गल चुका है, देखिए गल गया, इसको पीसते हैं, इसको इसको पहले मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। कितना महीन हो गया एकदम, उसको कोशिश करे दरदरा पीसने का, अगर दरदरा तो महीन भी है तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट अच्छा ही आएगा। देखिए अब इसको पीस लिए, पीसने के बाद फिर बनाने जा रहे हैं। देखिए इसको हम पीस लिए हैं, इसको ये मेरा पिसा गया, और इसमें डालकर इसको, इसमें अभी कुछ नहीं दिए, सिर्फ गाजर पीस कर दिए हैं, इसको पानी को पूरा सुखाना है, पानी पूरी तरह सूख जाए, उसके बाद हलवा रेडी ना। पानी सूखने के लिए 10 मिनट तक इसको चलाना पड़ेगा, उसके बाद मेरा हलवा रेडी। आह खुशबू आ रहा, अभी तो इसमें घी देना है, चीनी देना, बहुत चीज़ देना बाकी है। देखिए देखिए इसको हम पीस लिए हैं, इसको इसको ये मेरा पिसा गया, और इसमें डालकर इसको, इसमें अभी कुछ नहीं दिए, सिर्फ गाजर पीस कर दिए हैं, इसको पानी को पूरा सुखाना है, पानी पूरी तरह सूख जाए, उसके बाद हलवा रेडी ना। पानी सूखने के लिए 10 मिनट तक इसको चलाना पड़ेगा, उसके बाद मेरा हलवा रेडी। आह खुशबू आ रहा, अभी तो इसमें घी देना है, चीनी देना, बहुत चीज़ देना बाकी है। तो देखिए सूखने तक हमको चलाना है, जब तक इसमें पानी पूरा नहीं सूख जाए तब तक तक इसको चलाते रहना। अभी इसमें कुछ नहीं दिए, बस इसको ग्राइंडर में पीस करके, और इसको कद्दूकस में ग्राइंडर में देखे कद्दूकस, इसको ज़्यादा महीन नहीं करना, तो इसके बाद इसको जब तक भूजेंगे तब तक इसका पानी सूखने जाता है, जब पानी इसका सूख जाएगा तब इसमें हम घी ऐड कर देंगे,
और तब चीनी ऐड करके उसको भूज लेंगे, तब काजू किशमिश ये सब दे देंगे। देखते रहिए अब सूख गया है, अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। देखिए पानी सूख गया, देखिए पानी सूखते हैं इसमें घी काजू किशमिश और ये है शुद्ध देसी घी है। देखते हैं घी और काजू किशमिश ऐड कर देंगे और फिर चीनी है, इसमें चीनी है, ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे। देखते हैं अब इसमें घी ऐड कर देते हैं, प्योर शुद्ध देसी घी है, देखते हैं प्योर देसी घी है, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो पानी सूख गया है, घी ऐड कर देते हैं, चार चम्मच घी ऐड करें, घी ऐड कर दिया है। देखिए अब इसका खुशबू, खुशबू देखिए, लग रहा है बहुत खुशबू आ रहा है। इसको फिर भूनेंगे, फिर भूनते रहेंगे जब तक इसका घी छूट न जाए। इसको 10 मिनट कम से कम भूनेंगे। पीस रहना स्टार्ट कर रहे हैं, पीसते हैं। सूखने तक हमको चलाना है, जब तक इसमें पानी पूरा नहीं सूख जाए तब तक तक इसको चलाते रहना। अभी इसमें कुछ नहीं दिए, बस इसको ग्राइंडर में पीस करके और इसको कद्दूकस में, ग्राइंडर में देखिए कद्दूकस, इसको ज़्यादा महीन नहीं करना। तो इसके बाद इसको जब तक भूजेंगे तब तक इसका पानी सूखने जाता है। जब पानी इसका सूख जाएगा तब इसमें हम घी ऐड कर देंगे और तब चीनी ऐड करके उसको भूज लेंगे, तब काजू किशमिश ये सब दे देंगे। देखते रहिए अब सूख गया है, अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। देखिए पानी सूख गया, देखिए पानी सूखते हैं इसमें घी काजू किशमिश और ये है शुद्ध देसी घी है। देखते हैं घी और काजू किशमिश ऐड कर देंगे और फिर चीनी है, इसमें चीनी है, ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे। देखते हैं अब इसमें घी ऐड कर देते हैं, घी ऐड कर दिया है। देखिए अब इसका खुशबू, खुशबू देखिए, लग रहा है बहुत खुशबू आ रहा है। इसको फिर भूनेंगे, फिर भूनते रहेंगे जब तक इसका घी छूट न जाए। इसको 10 मिनट कम से कम भूनेंगे। भुंजा गया, अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे, एक चीनी ऐड कर देंगे, ज़्यादा चीनी नहीं देना है, हम मीठा हम बनाना है, ज़्यादा चीनी नहीं देना, चीनी इसमें ऐड कर देते हैं, चीनी ऐड कर देते हैं हम थोड़ा और देने का। मीठा नहीं लगेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हो गया इतना चीनी ऐड करके अच्छी तरह से फिर भून लेते हैं। इतना इजी मेथड है गाजर का हलवा बनाने का, देखिए है ना आसान तरीका, आप लोग बनाइए खाइए। अब इसको भून देंगे, भूनने के बाद इसको फिर उतार देंगे, हो गया ये रेडी है, रेडी टू सर्व। देखिए कितना आसान तरीका, इसको आप लोग घर में बनाइए और खाइए। जब चीनी पूरा मेल्ट हो जाएगा तो इसको हम बुझा देंगे। देखिए कितना आसान है ना तरीका। गाजर का हलवा तैयार है, अब इसको आप खा सकते हैं। मेरे अगर ये गाजर बनाने का मेथड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।
देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें। थैंक यू, बाय।